मंदी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में दो तिमाहियों से लगातार संकुचन देखने को मिल रहा हो। वस्तुओं और सेवाओं का सारा उत्पादन आमतौर पर जीडीपी के रूप में मापा जाता है और जब यह एक तिमाही से दूसरी तिमाही तक बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था के विस्तार की अवधि यानी एक्सपेंशनरी फेज के रूप में जाना जाता है। मंदी की अवधि यानी रिसेशनरी फेज इसके विपरीत होती है, यानी इसमें वस्तुओं और सेवाओं का सारा उत्पादन एक तिमाही से दूसरी तिमाही में कम हो जाता है। इस प्रकार ये दोनों स्थितियां एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र यानी बिजनेस साइकिल का निर्माण करती है। अधिक समझने के लिए यही आपको बता दें कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मंदी की अवधि यानी रिसेशनरी फेज लंबे समय तक रहती है तो ऐसा कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी यानी रिसेशन की स्थिति आ गई है। अर्थात जब जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में एक लंबे समय तक संकुचित होती रहती है तो ऐसा माना जाता है कि अर्थव्यवस्था मंदी में पहुंच गई है। ऐसा भी कुछ स्पष्ट नहीं है कि कितने समय तक अर्थव्यवस्था में संकुचन को मंदी कहा जाएगा और ये भी तय नहीं है कि जीडीपी मंदी को निर्धारण करने का एकमात्र कारक है। आइए अब मंदी और तकनीकी मंदी के बीच क्या अंतर होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में मंदी की अवधि काफी समय तक रहती है तो इसे मंदी यानी रिसेशन के रूप में जाना जाता है। वहीं तकनीकी मंदी यानी टेक्निकल रिसेशन उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में दो तिमाहियों से लगातार संकुचन देखने को मिल रहा हो। कई जानकार के अनुसार मंदी में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जाता है जिसमें कई आर्थिक पहलुओं जैसे कि रोजगार, घरेलू, कॉर्पोरेट आय इत्यादि के संस्करण शामिल है। दूसरी तरफ तकनीकी मंदी में मुख्य रूप से जीडीपी ट्रेंड्स को स्नैपशॉट के लिए उपयोग किया जाता है। मंदी लंबे समय तक रहती है, वहीं तकनीकी मंदी कम समय तक रहती है। मंदी किसी एक घटना या कारक के कारण नहीं होती है और दूसरी तरफ तकनीकी मंदी अक्सर एकल घटना के कारण होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उम्मीद जताई है कि भारत वर्तमान तिमाही में सकारात्मक विकास कर सकता है। चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच मंदी से बाहर आने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य पहलू अत्यधिक संक्रामक वायरस के प्रसार को नियंत्रित करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अन्य ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Till the next time, it's a goodbye.